देखिए, उनको ना हमारी परंपराओं का जानकारी है, ना हमारी परंपराओं का सम्मान है। शक्ति का कंसेप्ट हमारे देश के अंदर सालों से, 10,000 साल से मातृशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। माँ के आशीर्वाद से कोई बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता, बहन के प्यार से, स्नेह से बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता। उनको मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की मातृशक्ति चट्टान की तरह खड़ी है और राहुल जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो अभी 2-3 दिन में जितना भी फील्ड में बात हुआ है, सभी जगह से देश भर की महिलाओं ने ठाना है कि शक्ति का परिचय इस बार राहुल गांधी को जरूर कराना है चुनाव में। ये मैंने सब जगह से पाया है और मैं देश की मातृशक्ति का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद देश की महिलाओं के कब से आकांक्षा थी कि नीति विषय निर्णय करने में और देश के कानून बनाने में देश की माताओं बहनों की हिस्सेदारी हो, और वो मांग कोई पूरी नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को देकर शक्ति का सम्मान किया है। और इस संसद के बाद 20वीं संसद जब आएगी तब आप देखना 33% माताएं बहनें अंदर बैठी होगी। पूरी दुनिया देखेगी भारत की मातृशक्ति की शक्ति क्या है और उसका सम्मान कैसे हो सकता है। राहुल गांधी ये सारी चीजें नहीं समझ पाए।